बिन शहीज़ी रहमान रहीम। आज पंद्रह जुलाई है और बड़ा अच्छा यहाँ कैनेडा में सनी डे है हवा चल रही है और बहुत ही मज़दार दिन है आज कल मैं आपसे बड़े दिनों के बाद आज मैं फ़ेसबुक की लाइव वीडियो पे आ रहा हूँ मुख्तलिफ सियासी नज़रियात को पढ़ने और उनके साथ चलने और सियासी जमात के साथ चलने और सियासी ग्रुपों और क़्यादतों को सुनने उनके साथ करने के बाद और अब यहाँ मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल मुताज़ और उनका जायज़ा लेने के बाद एक, एक चीज़ समझ आती है कि जो हमारे मवजा सियासी कायदीन है उनका एक पर्सनल प्रोफाइल होता है और एक पोलिटिकल और पार्टी के हिसाब से पोलिटिकल प्रोफाइल होता है कहीं भी हो तो उनका पर्सनल प्रोफाइल हर फर्द का पर्सनल एजेंडा जो होता है वो अपनी ज़ात को फ़रू देने का वो हमेशा आ, चंद बड़े ही बड़े लोगों के और बड़े कायदीन के अलावा तो वो हमेशा सामने रखा जाता है वो एक कुछ बातें कर रहे होते हैं पर्सनल पर्सनैलिटी अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए और सारा और कुछ बातें कर रहे होते हैं वो अपनी सियासी उनकी गुफ्तु दो आ, चीजों में डिवाइड होती है कल मैं काफी आ, कल ख्वाजा आसिफ़ के ऊपर बहुत सारे एहजाजात हुए उनके वो जो पर्सनैलिटी होती है एक सियासी जमात के कारकुनों की और वो अपनी पर्सनैलिटी को जो अपने सामने रखते हैं वो कभी इज्तमाही सियासत के अंदर कोई अच्छा किरदार अदा नहीं कर सकते ये साबित है मतलब जिन सियासी कायदी ने जमातें इख्तियार वो अपने ख़ानदानी फ्रोक़ को देते रहे और जो कारकुनान अपनी सियासी ज़ात को आगे रखते रहे उन्होंने अपनी सियासी पार्टियों की कोई खिदमत नहीं की क्योंकि उनका नजरिया तो सिर्फ अपनी ज़ात को होता है ना तो इसके लिए हमेशा से सियासी पार्टियों के अंदर एक बहुत बड़ा पॉपुलर ट्रेंड रहा है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलना फौज के खिलाफ बोलना और इतना बोलना कि बदजुबानी तरफ अपनी बदतमीजी और बद अखलाकी और बदजुबानी की वजह से अपने आप को एक बहुत बड़ा कायद करना फेसबुक पे ट्रेंड है कुछ ट्रेंड गवर्नमेंट चलाती है कुछ मुल्क चलाते हैं कुछ माशरे चलाते हैं कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चलाती है प्रेशर ग्रुप चलाते हैं लेकिन उसके दरमियान ये समझना मुश्किल हो जाता है हक किस पे है हक़ के लिए बहुत सारा मताल करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों को माइनस करना पड़ता है और फिर बात में समझ आती है कि हक क्या है मोस्टली तो मैंने सियासी वर्करों को ऐसा ही देखा कि वो सिवाय अपनी ज़ात के अलावा न कभी सोचते हैं और ना उनको वो मखसूस उनका एक सियासी लिबादा सा होता है जो उन्होंने उड़ा होता है और जो कि मुझे अभी एहतजाज में नज़र आया और फिर उस सियासी ये जो ब्यूरोसी और एस्टेब्लिशमेंट और मुल्क के खिलाफ इंतज़ामिया के खिलाफ और इसी से छोटे छोटे घरों के लड़के लीडर बनते हैं और सारी उम्र इसी में गुजार देते हैं कि बस एस्टेब्लिशमेंट और फौज और ये और वो और एजेंसी और ये वो कर रही हैं सारी और मकसद उनका सिर्फ अपनी ज़ात को आगे रखना होता है और उसकी नतीजे में ये आज का भी ये ट्रेंड है लेकिन ये ना सैंतालीस है ना सत्तर है ना पैंसठ है ना ये 2013 है ये हालात बदल चुके हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हालात बदल चुके हैं और ये कोरोना की बात तो बिल्कुल ही हालात की आ, एक और ही नहज की तरफ चले गए हमारे यहाँ फैशन है कि बैन अमी तौर पर ग्रुपिंग बदल गई है ब्लॉक्स बदल गए हैं अमेरिकन ब्लॉक्स एक नेबर ब्लॉक बन गए हैं इस्लामिक और नॉन इस्लामिक और लिबरल और असल में क्या है वो सारे इकनॉमिकल बेनिफिशरीज़ हैं वो मुख्तलफ नज़रियात उसके अंदर एक चीज़ है अब यह होगा कि जो फ़र्द फाइनेशल तरक्की करेगा दिफ़ाई तरक्की करेगा मुल्क को चलाएगा उसी का वो फलसफा जो है ना वो कामयाब होगा लेकिन बदकस्मती से हमारे लोग ना इस पर समझने के लिए तैयार हैं और नकजान होकर एक उमत और एक मुल्क बनने के लिए तैयार है बल्कि वही ना किस्म के जो आ, आ, है ना लोगों को अपने कारकुनान को मोटिवेट करने के लिए आ, एक गलत बल्कि अपने मैं थोड़ी जिसको कहूंगा कि अपने बालायत कारकुनों का मुस्तबिल तारीख करने के लिए कि मुल्क सियासत में दयानतदार लोग को हिस्सा ना दे सकें उनको हमेशा एक ऐसे पॉलिटिकल ट्रेंड की तरफ लेके जाते हैं जिसके अंदर ना खुदा ही मिलासान फिसम ना, ना खुधर के रहे ना उधर के रही के रहे और ये लोअर मिडिल क्लास की पॉलिटिक्स जो एमकेएम ने भी की और उसके बाद घत्ता खोरी और इंटरनेशनल साजिशों के शिकार होती है ये रहेगा और रहता है इसके लिए उसके पाकिस्तान के जमा मर्द किस्म के नौजवानों को और बाशूर लोगों को इस चीज़ पर अब सोचना चाहिए कि मुल्क के ख़िलाफ़ बोलने वाले मुल्क के इदारों को तबाह बर्बाद करने वाले लोगों का भी देखना चाहिए और मुल्क के इदारों के खिलाफ बोलकर वो अपनी ज़ात के बुत को कहां तक ले जाएंगे इसके भी सोचने की ज़रूरत है तो बस इतनी सी बात थी जो मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि आपके साथ बात करें क्योंकि सारी चीज़ों को पढ़ने और देखने के बाद अंदाज़ा होता है कि कुछ लोगों ने बहुत गलतियां की और अब उसके बाद एक साथ की उम्र है तकरीबा इसको सेवेंटी टू ईयर्स हैं उन्होंने बहुत सारी सियासी चापलोसियाँ करके अब वो कहते हैं कि जी वो जगाएं कौम को भाई जब तुम्हारे शौर के साथ जागने का वक्त था तो तो तुमने ज़ाया कर दिया अपना ज़ाती प्रोफाइल बनाने के लिए और अब तुम सत्तर साल अस्सी साल की उम्र में क्या करोगे शुक्रिया अभी वक्त है सोचने का और अगर वक्त गुजर गया तो लेकिन मुझे ये इस यकीन के साथ हूँ कि पाकिस्तान के नौजवान बासलाहत नौजवान बड़े ही जीरकी से पाकिस्तान के फैसलों को देख भी रहे हैं समझ भी रहे हैं और अपना रोल भी पिला भी लेकिन स्टीरियो टाइप को जो नज़रियात के लोग हैं स्टीरियो जो बाइस किस्म के हैं जो बुक्स रखने वाले हैं वो बहरहाल उनके रास्ते में बहुत बड़ी रिकावट है शुक्रिया असल